यहाँ पे कुलदीप सिंह का सवाल है लैंसर कंटेनर के बारे में। 70 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने खरीदा हुआ है और 82-85 का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं लैंसर कंटेनर। ये कोई मैंने कहीं तो सुना, ये यूट्यूब वाला तो स्टॉक नहीं है बहुत। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, मैंने इसके YouTube पे कुछ विज्ञापन देखे हैं और वैसे ही विज्ञापन देखे हैं जिसको लेकर के सेबी कई बार चिंताएं जता चुका है और एक दो कंपनियों पे कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन फिलहाल इसमें वैसा कुछ है या नहीं है ये कहने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। क्या आप इसमें देख पा रहे हैं? अब तो मुझे ऐड का पता नहीं रहा जी, बिकॉज मैंने यूट्यूब प्रीमियम ले लिया, लेकिन पहले मैंने देखा था इतना मुझे याद है। इसका कंपनी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कुछ इसका स्प्लिट वगैरह रहेगा डेटा देख के तो यही लगता है। फिर भी एक क्विक स्टडी कर लेते हैं। लास्ट क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुका है? इसमें राजीव जी कुछ तो ये रहा है आपका, कोई कॉर्पोरेट एक्शन रहा है इसमें, मुझे नहीं पता है क्या, लेकिन एक कुछ कॉर्पोरेट एक्शन इसमें रहा होगा, ये सितंबर 2023 में जब शायद स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा। हाँ वही सब होता रहता है ऐसे यूटी वाले स्टॉक में। और इससे ज्यादा क्या, 1600 करोड़ की कंपनी है आंसर कंटेनर। ठीक है, अब मैं नंबर की ही बात कर लेता हूँ। तो नंबर की जहाँ तक बात है, इनके नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ओके सारे नंबर तो ऐसे ऊपर से तो सब ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। अब इसमें कितना विंडो ड्रेसिंग है, कितना जेनविन है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर जो नंबर है वो सब ठीक ठाक है अभी। तो लांसर कंटेनर लाइन्स का ऐसा है जी मामला कि वो सब अपनी जगह एक बात है, बाकी इधर जो चार्ट भाई कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना है। वो ये कह रहा है कि यहाँ से फिर से डिमांड तो क्रिएट कर रहे हैं फॉर सम रीजन। इसमें क्या है ना कि इस तरह की चीज़ों में एक्यूमुलेशन मल्टीपल लेवल पे होता है, तो कभी आपको लगेगा कि इस लेवल पे डिमांड है, एक्यूमुलेशन हो रहा है और खरीद लिया, पता चला कि एक बार और नीचे है और फिर और नीचे जाके फिर उस लेवल से फिर और एक्यूमुलेशन हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट टेक्निकल रीडिंग भी नहीं मिलती। फिलहाल मैं लांसर कंटेनर पर यही कह सकता हूँ कि जब तक आप ये जो लो है ना 63 वाला, उसके नीचे जब तक बंद नहीं होता है, आपको 80-82 वाला जो रेंज है वो मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ इसकी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। जी चलिए, जो भी करिए इसमें बहुत सतर्क होकर के और बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि मतलब जो अच्छी कंपनियां होती हैं उन्हें इस तरह से विज्ञापन करने करवाने की जरूरत नहीं होती है। जो इसके तरीके देखने को मिले हैं YouTube पे, मतलब जिस तरह के विज्ञापन चलते हुए दिखे हैं, वो अपने आप में सवाल खड़ा कर देते हैं। उसके आगे अभी कुछ कहने की स्थिति हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिलहाल सावधान रहना जरूरी है, इतना जरूर हम कह सकते हैं आपसे।